मैं हूं बिली सिंह। तीसरा साल चल रहा है मेरे आम्रपाली बाग को, और तीसरे साल में आज 17 अगस्त 2023 है। मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, 31 अगस्त को ये बाग लगाना कंप्लीट किया था, तो ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। और 3 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और इस साल जो सीज़न रहा है वो मौसम के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहा है। मौसम इस साल वैसे तो एज अ ह्यूमन बीइंग बड़ा प्लेजेंट चला है, लेकिन फसलों के लिए, खासकर फलदार जो पौधे हैं और आम की जो फसल है उसके ऊपर इसका थोड़ा असर पड़ा है। फरवरी के महीने में एकदम से गर्मी हो गई थी एक हफ्ते के लिए, उस समय इसके ऊपर फूल आना शुरू हुआ था। उस गर्मी के बाद अक्सर ऐसे ही होता है, कुदरत पहले गर्मी भेजती है फिर बारिश आ जाती है, तो उस बारिश ने फूलों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ा, फूल आधे से ज़्यादा ख़राब हो गए। तो इस बार जो फसल रही आम की वो 50% आई है पिछले साल से, और 65% जो आम के पौधे हैं उनके ऊपर फल आया था, क्योंकि फूल मौसम की मार की वजह से ख़राब हुआ और उसका असर फिर फाइनली प्रोडक्शन पर भी पड़ता है। कल एक बायर ने सारे आम मेरे ख़रीद लिए जितने भी लगे हुए थे, तकरीबन 60-61 किलो, क्योंकि ये नेचुरली जब इनको ढक के रखा जाए ना तो 2 से 5 दिन के अंदर अंदर पक जाते हैं। तो वरना मैं तरीका आप लोगों को बता चुका हूँ अपना प्रीवियस वीडियोज़ में, मैं तो ऊपर ही पका कर फ्रेश बेचता हूँ, लेकिन मेरे को भी लगा भी चलो बल्क बायर आया है और कच्चा आम लेकर जा रहा है, दाम भी अच्छा है वही जो रिटेल में मैं बेचता हूँ, तो क्यों ना बेचा जाए, एक ही बार में फारिग हो गया। तो 16 अगस्त 2023 को मैंने अपना फल जो है आखिरी वो बेच दिया आम्रपाली बाग में से, और अब खाली पड़ा है खेत, खरपतवार है खूब। अब इसके बाद हमने क्या करना है बाग में, इसकी जुताई करनी है खेत की अच्छे से, सारा कबाड़ ख़त्म करना है नेचुरल तरीके से, सिर्फ जुताई करने से ही होगा। और ये जो बड़ा बड़ा घास देख रहे हैं आप लोग, ये ब्रश कटर से काटूंगा मैं। आगे वीडियो में आप सब काम करते मेरे को देखेंगे भी कैसे काम करना है खेत में, खोदी तभी 4 पैसे बचते हैं। पावर टिलर में जब ऐसे घास बीच में ऐसे लपेटा मार देता है, आजकल तो वैसे ही बरसात के कारण घास बहुत बड़ा हो रखा है, तो ये ऐसे गोल गोल घूम जाता है जलेबी की तरह टाइम्स के साथ ही, तो यहाँ थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा बढ़ जाता है, करना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। और लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी, लाइफ इज़ ऑलवेज स्ट्रगलिंग यू नो, तो स्ट्रगल कंटिन्यू रखनी है। ये चीज़ें भी गौर फरमाने लायक हैं जब आप खेती करते हैं, ये छोटे छोटे से दिखने वाले काम आपका टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा खाते हैं। रही बात बचत की, दोस्तों इस काम में बचत कुछ नहीं है, अभी तो मेहनत है, आपको खूब पसीना बहाना पड़ेगा, और बचत जो है वो तो 6-7 साल बाद, तब रिटर्न जब आएगा तब पता चलेगा तजुर्बे से। वीडियोस तो हम लोग बहुत देखते हैं लेकिन ज़्यादातर वीडियोस गुमराह करने वाले होते हैं, मैं तो यकीन नहीं करता उनके ऊपर। आप जो खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेते हैं तभी आपको रियलिटी का पता चलता है भी क्या है एक्चुअल में। बाग का जो सालाना खर्चा है 1 एकड़ का, उसका तकरीबन मेरा 1000 रुपये महीना बिल आता है बिजली का, ट्यूबवेल मेरा चले या ना चले, मेरे को नॉन डोमेस्टिक सप्लाई दी गई है, इसमें हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कनेक्शन नहीं मिलता, ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं गवर्नमेंट के पास। और ख़र्चा है जुताई का, निराई गुड़ाई का, ट्रैक्टर जो मैंने पावर टिलर रखा हुआ है उसमें पेट्रोल डलता है, ब्रश कटर जो है उसमें पेट्रोल डलता है, तो
तो वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा आता है साल का। तो 12 और 7 19 हो गए, चलो मोटा मोटा 20 लगा लो आप। उसके अलावा पौधों के ऊपर स्प्रे करनी होती है जो NPK खाद होता है 19 19, उसका खर्चा है थोड़ा। और एक बार मैं साल में इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस जिंक और बोरिक एसिड का स्प्रे करता हूँ। वो इकट्ठा ही घोल मिलाकर मैं इनके ऊपर, फल जब आता है छोटा सा पीनट साइज जब होता है तब स्प्रे करता हूँ बस। इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है। तो तकरीबन साल का जैसे 25 26 हज़ार खर्चा है, तो चलो 2 हज़ार रुपये महीना लगा लो। तो 63% पौधों के ऊपर ही फल फूल आया, यहाँ पर नुकसान हुआ। दूसरा 50% मौसम की मार से फल की प्रोडक्शन जो है वो कम हुई। दाम मेरा पिछले साल वाला ही बिका, 70 रुपये एवरेज है, 70 रुपये किलो मैंने आम बेचा खुद ही मार्केटिंग करके। तो मेरी एवरेज इस साल भी 2 किलो ही आई है पर पौधा, पिछले साल भी यही एवरेज आई थी। पौधे छोटे थे, इससे भी छोटे थे, तो इनके ऊपर हम लोग ज़्यादा फल नहीं ले सकते। इस साल तूफान ने भी बहुत झाड़ा फल, और इसीलिए मैं ज़्यादा इजरायली टेक्निक या अल्ट्रा हाई डेंसिटी इनके चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इतनी स्पेस तो बीच में चाहिए। ये 2 पौधों के बीच में 7.5 फुट का गैप है, ताकि मैं इधर से निकल सकूं, इनको भी थोड़ी हवा लगे। जितनी इनकी ब्रांचेस थोड़ी लंबी होंगी, बड़ी होंगी, इनके ऊपर उतना ज़्यादा फल आएगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, तो तभी जाके हमारा मुनाफा या आमदन या हमारे खर्चे रिकवर होंगे। तो ये चीज़ें हैं बाग की। बाग जो है एक लंबी खेती है, पेशेंस वाला काम है बागवानी, इसमें आपको सब्र रखना पड़ता है। वो कहावत भी है ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो वाकई मीठा होता है, 6 7 साल बाद मीठा लगेगा। बस ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, पसीना बहाना पड़ता है खेत में, मिट्टी में मिट्टी होना पड़ता है, लेकिन आम मज़ा आ रहा है, क्योंकि सेहत और जो मन है सब खुश हैं इसमें। तो दोस्तों ऐसे है बागवानी, और ऐसे होती है आम के बाग की खेती। आप लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं तो तब ये पंगा लेना है, अदरवाइज़ भाई नॉर्मल वही वीट और राइस कल्टीवेशन करते रहें और उसी में संतुष्ट रहें। दोस्तों इस साल 50% फल कम आया है मौसम की मार की वजह से, और 3 क्विंटल कुल आम निकले हैं मेरे पूरे बाग में से। 70 रुपये के हिसाब से बेचे हैं, तो 70 को आप 3 क्विंटल से मल्टीप्लाई करें तो 21 हज़ार रुपये का फल बेचा है। तो यह है कि बिजली का और खाद पानी का खर्चा, जुताई का खर्चा, वो निकल आया है तीसरे साल में। पिछले साल इससे फल डबल आया था और पैसा भी डबल आया था, लेकिन जो बागवानी या खेती होती है वो तो कुदरत पर निर्भर करती है, जैसा मौसम होगा वैसा ही उत्पादन होगा खेतों से। तो ये रहा इस साल तीसरे साल की आमदन का ब्यौरा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।